हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 15 अक्टूबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं SSEGL.com और BaljiDhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन, आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SAS जल्पनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि सितंबर महीने के लिए ICC महिला खिलाड़ी कौन बनी। करेक्ट आंसर है हरमनप्रीत कौर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है 11 अक्टूबर। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के सद्भावना राजदूत यानी गुडविल एम्बेसडर कौन बने। करेक्ट आंसर है अमिताभ बच्चन। डिटेल्स देख लो तो राजनाथ सिंह ने 14 अक्टूबर को नागरिकों को सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान करने में सक्षम बनाने वाली वेबसाइट लॉन्च की। AFBCWF एक त्रिसेवा कोष है जिसका उपयोग युद्ध के हताहतों के परिजनों और आश्रितों को अनुग्रह राशि की तत्काल वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने ड्यूटी के दौरान सक्रिय सैन्य अभियानों के दौरान मारे गए या विकलांग सैनिकों के लिए बड़ी संख्या में कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए योगदान करने के लिए देशभक्त नागरिकों, कॉरपोरेट प्रमुखों, उद्योग के कप्तानों से मजबूत जन भावना और अनुरोध किया गया है। इस नेक काम में देशभक्त भारतीयों को भागीदार बनाने की सुविधा के लिए यह वेबसाइट शुरू की जा रही है। बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन अपने 80वें जन्मदिन पर सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष की वेबसाइट माँ भारती के सपूत के सद्भावना राजदूत बने। तो एक क्वेश्चन है, ये तीन तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले वेबसाइट को लॉन्च किसने किया, आपका आंसर होगा राजनाथ सिंह। वेबसाइट का नाम क्या है, दैट इज माँ भारती के सपूत, और इसके गुडविल एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। डिटेल्स देख लो तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के अध्यक्षता में शीर्ष अदालत के कोलेजियम ने 28 सितंबर को तबादलों और नियुक्तियों के 8 मामलों की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव पारित किया, जिनमें से सरकार ने अब तक केवल 3 को मंजूरी दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बी वराले को कर्नाटक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, जो दिसंबर 2020 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, को राजस्थान उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM मागरे को उसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। बात करें यहाँ पर राजस्थान की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी, राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कियोलादियो नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा, CM है अशोक गहलोत। इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। नेक्स्ट देखो, दी ट्रैपिंग जोन के साक्ष्य किस देश में खोजे गए हैं। करेक्ट आंसर है मालदीव। डिटेल्स देख लो, नेक्टन मालदीव मिशन के वैज्ञानिकों ने द ट्रैपिंग जोन के सबूत खोजे हैं। इसे सतह से 500 मीटर नीचे समुद्री जीवन का नकली स्थान यानी ओएसिस के रूप में वर्णित किया गया है। देश के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली के अनुसार द ट्रैपिंग जोन की खोज और मालदीव के आसपास के जीवन का ओएसिस नया ज्ञान प्रदान करता है, जो मत्स्य पालन और पर्यटन का समर्थन करेगा। यद्यपि अधिक वैज्ञानिक जांच आवश्यक है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक नई वाणिज्यिक मत्स्य पालन के रूप में शोषण करने की दीर्घकालिक क्षमता है, जो मालदीव टूना उद्योग को बढ़ाएगी, जो वर्तमान में इसकी समुद्री अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। बात करें यहाँ पर मालदीव्स की, तो इसकी कैपिटल है माले, करेंसी मालदीवियन रूफिया। नेक्स्ट देखो, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट मिशन के सफल परीक्षण की घोषणा की। करेक्ट आंसर है नासा।
डिटेल्स देख लूं। सबसे पहले डार्ट की फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो नासा के डार्ट जांच दल द्वारा पिछले 2 हफ्तों में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण अपने लक्ष्य क्षुद्र ग्रह डिमॉर्फोस के साथ अंतरिक्ष यान की गतिज प्रभाव को दर्शाता है, जिसने एस्टेरॉइड की ऑर्बिट को सफलतापूर्वक बदल दिया। यह मानवता का पहली बार जानबूझकर किसी खगोलीय वस्तु की गति को बदलने और क्षुद्र ग्रह विक्षेपण प्रौद्योगिकी के पहले पूर्ण पैमाने पर प्रदर्शन का प्रतीक है। डार्ट का लक्ष्य एस्टेरॉइड पृथ्वी के लिए खतरा नहीं है, लेकिन यह देखने के लिए एकदम सही परीक्षण मैदान है कि क्या गतिज प्रभावकारी तकनीक के रूप में जानी जाने वाली क्षुद्र ग्रह विक्षेपण की यह विधि हमारे ग्रह की रक्षा करने का व्यवहार तरीका होगा। यदि पृथ्वी के साथ टकराव के रास्ते पर एक क्षुद्र ग्रह की खोज की गई थी भविष्य में। नेक्स्ट देखो, पीएम डिवाइन योजना जो खबरों में रही किस क्षेत्र के विकास उद्देश्य से थी? करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। डिटेल्स देख लो। सबसे पहले पीएम डिवाइन की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 6,600 करोड़ रुपए की योजना सहित 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। पीएम डिवाइन को 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया जाएगा। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय यानी डोनर द्वारा प्रशासित किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को संशोधित किया गया है। योजना किस वर्ष लागू की गई थी? करेक्ट आंसर है 2015। डिटेल्स देख लो। तो केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के जनादेश का विस्तार करते हुए लड़कियों के कौशल को गैर पारंपरिक आजीविका एनटीएल विकल्पों में शामिल करने की घोषणा की। लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन में महिला और बाल विकास मंत्रालय लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण के महत्व पर जोर देता है। BBB योजना में नए बदलाव शामिल हैं। माध्यमिक स्तर पर नामांकन में 1% की वृद्धि सुनिश्चित करना, विशेष रूप से स्टेम दैट इज विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित विषयों में हर साल लड़कियों और महिलाओं का कौशल मुख्य रूप से गैर पारंपरिक आजीविका में उचित मासिक धर्म स्वच्छता का ज्ञान बढ़ाना, बाल विवाह के उन्मूलन को बढ़ावा देना। यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को घटते बाल लिंगानुपात और जीवन चक्र की निरंतरता में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के संयुक्त वक्तव्य को 2027 तक बढ़ा दिया है? करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। डिटेल्स देख लो। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT जुलाई 1987 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA के सहयोग से एक केंद्रित द्विपक्षीय सहयोगी कार्यक्रम VAP इंडो US वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को लागू कर रहा है। वर्तमान 5 वर्षीय VAP संयुक्त वक्तव्य को 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और विदेश मंत्रालय के अनुमोदन से बढ़ाया गया है। VAP एक अनूठा द्विपक्षीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नवीन टीकों से संबंधित अनुसंधान और उम्मीदवार टीकों के उन्नत विकास का समर्थन करना है, जिसके लिए पहले के लीड उपलब्ध है। नेक्स्ट देखो, वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू होने जा रही है? करेक्ट आंसर है दिल्ली मुंबई। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय रेलवे जल्द ही सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस का माल ढुलाई संस्करण लॉन्च करेगा। इस तरह की पहली ट्रेन के दिल्ली NCR और मुंबई क्षेत्रों के बीच संचालित होने की संभावना है। नई माल गाड़ियों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कंटेनर परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजों के साथ 1800 मिलीमीटर चौड़े रैक में तापमान के प्रति संवेदनशील कार्गो के लिए रीफर कंटेनरों को लोड करने के प्रावधान होंगे। पैलेट्स के आसान संचालन के लिए लॉकिंग सुविधा के साथ एक वायवीय रूप से वापस लेने योग्य रोलर फ्लोर सिस्टम और 264 टन का फुल पेलोड होगा। नेक्स्ट देखो, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022
किस संस्थान का संयुक्त प्रयास है? करेक्ट आंसर है दोनों ए और बी, यानी विश्व वन्यजीव कोष और लंदन की जूलॉजिकल सोसाइटी। डिटेल्स देख लो तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन का एक संयुक्त प्रयास है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 में वैश्विक वन्यजीव आबादी में भारी गिरावट पाई गई। प्रमुख प्रकाशन के अनुसार वर्ष 1970 और 2018 के बीच वैश्विक वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट आई है। इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया भर में 69% व्यक्तिगत जानवरों में गिरावट आई है। रिपोर्ट जानवरों की विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या के आकार में औसत परिवर्तन देती है, ना कि खोए हुए जीवों की संख्या का। यह प्रत्येक पशु आबादी में गिरावट के सापेक्ष आकार को मापता है और इसे औसत करता है। रिपोर्ट ने 5,230 प्रजातियों की लगभग 32,000 आबादी का विश्लेषण किया। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 13 अक्टूबर। डिटेल्स देख लो तो आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिन का फोकस जोखिम जागरूकता और आपदा की तैयारी की वैश्विक संस्कृति को प्रोत्साहित करने पर है। यह आपदाओं की सुभेदता को कम करने में दुनिया भर के समुदायों और व्यक्तियों के प्रयासों को भी मान्यता देता है। यह पहली बार 1989 में UNGA द्वारा आपदा जोखिम शमन की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने और आपदाओं से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। 2002 में हर साल इस दिन को चिन्हित करने के लिए एक और UNGA प्रस्ताव पारित किया गया था। 2022 के लिए थीम है प्रारंभिक चेतावनी यानी अर्ली वार्निंग। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड के गुडविल एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस पंकज मित्तल। द ट्रैपिंग जोन के एविडेंस मालदीव्स में मिले हैं। नासा ने डार्ट मिशन टेस्ट के सक्सेसफुल होने के अनाउंसमेंट की। PM डिवाइन स्कीम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के डेवलपमेंट के लिए शुरू की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी। इंडिया ने USA के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जॉइंट स्टेटमेंट को 2027 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। वंदे भारत बेस्ड फ्रेट सर्विस दिल्ली मुंबई के बीच शुरू होने जा रही है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन का एक संयुक्त प्रयास है और इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने ओला और उबर को ओवरचार्जिंग के आरोपों के कारण ऑटो सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया है? दोनों क्वेश्चन हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके साथ से नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे दोनों चैनल्स और वेबसाइट्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।